हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिफाइड एरिया क्या होता है, अनक्लासिफाइड एरिया होता है। आपको बता दूं, फार्मा इंडस्ट्री में दो टाइप के एरिया होते हैं। जो हमारा प्लांट होता है उसमें दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड एरिया, एक होता है अनक्लासिफाइड एरिया। अब क्लासिफाइड एरिया कौन सा होता है, क्यों मेंटेन करते हैं, अनक्लासिफाइड एरिया क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें इस डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफाइड एरिया क्या होता है। तो क्लासिफाइड एरिया ये होता है जिस भी एरिया के अंदर हम एयरबोर्न पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस एरिया को हम क्लासिफाइड एरिया बोलते हैं। ओके, इसमें हम तर इस एरिया में हम क्या करते हैं, जो एयरबोर्न पार्टिकल है उनका इंट्रोडक्शन, जनरेशन, रिटेंशन होता है वो मेंटेन करते हैं। तो ये जो एरिया होते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट में ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8 और 9 क्लास के जो ISO क्लास के एरिया होते हैं उनको हम क्लासिफाइड एरिया बोलते हैं, या फिर हम क्लीन रूम भी इनको बोलते हैं। ओके, जो जनरली जो क्लासिफाइड एरिया होता है वो क्या होता है, वो कोर प्रोडक्शन एरिया होता है, जहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्शन वर्क होता है। ओके, तो जिस एरिया में भी डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है उस एरिया को हम क्लासिफाइड एरिया बोलते हैं, या फिर ISO क्लास उसमें हम मेंटेन करते हैं। जैसे कि सैम्पलिंग एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया, ग्रैनुलेशन एरिया, ब्लेंडिंग एरिया, कॉम्प्रेशन एरिया, कोटिंग एरिया, ब्लिस्टर एरिया, ये वो एरिया है, एक कोर प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, इस एरिया को हम क्लासिफाइड एरिया में मेंटेन करते हैं। मीन्स ISO क्लास के रिगार्डिंग इसके अंदर हम एयरबोर्न पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफाइड एरिया क्या है। अब आइए देखते हैं अनक्लासिफाइड एरिया क्या होता है। तो अनक्लासिफाइड एरिया ये होता है जहाँ पे हम जो एयरबोर्न पार्टिकल होते हैं उनको हम पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम उस एरिया में, अनक्लासिफाइड एरिया में, सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। ओके, ये एरिया सिर्फ ह्यूमन कम्फर्ट के लिए होता है और इसके अंदर हम एयरबोर्न पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन मेंटेन करते हैं ताकि उस एरिया में जो मैन पावर वर्क कर रहा है उनको कोई डिसकम्फर्ट ना हो। ओके, और जनरली अनक्लासिफाइड एरिया वो एरिया होता है प्लांट के अंदर जिसके अंदर प्रोडक्ट, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा पैकिंग हॉल है, तो पैकिंग हॉल में, ये देखिए पैकिंग हॉल का एक पिक्चर है, तो पैकिंग हॉल में क्या होता है, जब मटेरियल एंट्री होता है, प्रोडक्ट एंट्री होता है, तो उस टाइम वो पैक होकर निकलता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। फिर BSR, बॉन्डेड स्टोर रूम, स्टोर रूम मीन्स यहाँ पर फिनिश गुड होता है, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। देन RM स्टोर में क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल पैक कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। देन पैकिंग मटेरियल स्टोर होता है, वहाँ पे हमारा पैकिंग मटेरियल का स्टोर होता है, वहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट जो कंटामिनेट होगा वैसा कुछ होता नहीं है। देन चेंज रूम्स में हमारा कोई प्रोडक्शन एरिया, कोर प्रोडक्शन एरिया नहीं होता है, इसलिए ये भी अनक्लासिफाइड एरिया में आता है। देन QC का एरिया होता है, QC एरिया में सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है वो क्लासिफाइड एरिया में आता है, बाकी उसके एरिया वो अनक्लासिफाइड होते हैं। तो इस तरह से ये क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड एरिया होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। अब आइए देखते हैं इनका की डिफरेंस, इनके बीच में क्या होता है। जो हमारा क्लासिफाइड एरिया होता है उसमें क्या करते हैं, हम पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं, वही जो अनक्लासिफाइड एरिया होती है उसमें हम पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं करते, पार्टिकल काउंट कंट्रोल नहीं करते हैं। देन हमारा क्लासिफाइड एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर और RH मेंटेन करते हैं, और अनक्लासिफाइड में भी हम टेम्परेचर और RH मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हम क्लासिफाइड में टेम्परेचर RH के साथ एयरबोर्न पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेचर और RH मेंटेन करते हैं अनक्लासिफाइड में। देन जो क्लासिफाइड होता है वो ISO क्लास के अंदर में आता है, वो क्लीन रूम के अंदर आता है, और जो अनक्लासिफाइड होता है वो ISO क्लास के अंदर में नहीं आता, वो क्लीन रूम में कंसिडर नहीं होता है। देन हम एक क्लासिफाइड एरिया में HEPA फिल्टर यूज करते हैं। ओके, बट हम अनक्लासिफाइड एरिया पर HEPA फिल्टर यूज नहीं करते, हम यहाँ पे प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर यूज करते हैं, HEPA फिल्टर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। देन जो क्लासिफाइड होता है वो कोर प्रोडक्शन एरिया में हम ये क्लास मेंटेन करते हैं, क्लासिफाइड एरिया।
और जो हमारा जो अनक्लासिफाइड एरिया वो नॉन कोर प्रोडक्शन एरिया होता है, जैसे कि पैकिंग हो गया, बीएसआर हो गया, देन आरएम स्टोर हो गया, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है और जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, उस एरिया को हम अनक्लासिफाइड एरिया में मेंटेन करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।